अरे यार ये कहाँ गया टॉमी? अबे टॉमी को मैंने बोला था कि पैसे का बंदोबस्त कर दे और ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे टॉमी बेटे तू कहाँ गया? अबे मालिक ने तो मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अबे टॉमी वहाँ क्या कर रहा है तू? अरे भाई यार मैं यहाँ पे फिशिंग कर रहा हूँ ताकि यार अपने मालिक का पैसा दे सकूँ। अरे यार फिशिंग करने से कुछ नहीं होगा, चल कुछ काम करने चलते हैं। अरे नहीं मुझे कर्जा देना है तो फिशिंग मैं फिश मार्केट में बेच दूंगा और उससे मेरे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अरे यार इस लेक के पास तो आया, इस लेक में मछली भी है कि नहीं है? अरे मैंने सुना इसमें बहुत सारी मछली है और क्योंकि ये VIP एरिया में आता नहीं इसलिए यहाँ पे कोई फिशिंग नहीं करता है और इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं। अरे यार क्या बात है, तुमने यहाँ पे बहुत सारी मछली भी पकड़ ली है, चल ठीक है फटाफट से पकड़। मैं तो पकड़ ही रहा हूँ, देख कितने सारी मछलियाँ पकड़ ली, आज तो मैंने 1000 रुपये का बंदोबस्त कर ही दिया है। अच्छा अरे यार क्या हुआ? अरे लगता है कुछ बड़ी चीज़ पकड़ी है मैंने, ये तो आ ही नहीं रही है। अरे ऐसा क्या पकड़ लिया तुमने? अरे ये तो ताकत लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं निकल पा रहा है, बहुत ही ज़्यादा भारी है। अरे यार रुक मैं भी तेरे को पकड़ता हूँ जिससे ज़्यादा ताकत लगेगी और वो चीज़ बाहर आ जाएगी। अरे हाँ जल्दी कर जल्दी कर, अबे लगता है छूट जाएगी, बहुत बड़ी मछली है। अरे ये क्या टॉमी, ये क्या निकाल दिया तूने? अरे यार लगता है ये एक पुरानी गाड़ी है। ओके ये गाड़ी बहुत ही बुरी कंडीशन में है, ऐसे करते क्यों ना मैं इस गाड़ी को मॉडिफाई करके नया कर दूँ। अरे हाँ यार टॉमी तू वैसे भी गाड़ी को अपग्रेड करने में एक्सपर्ट है। अरे हाँ इसका इंजन अभी भी ठीक है, एक नंबर इंजन इसका हो रखा है, बस ऊपर से बॉडी गल गई है। अरे यार सही कहा, चलो इसको रिपेयर करते हैं। हाँ ठीक है मैं इसको रिपेयर करके हम फिर इसको मार्केट में बेच देंगे और हमें बहुत सारे डॉलर मिल जाएंगे उससे, सही कहा ना मैंने पिंटू? अरे हाँ सही कहा टॉमी तूने, चलो इस गाड़ी को लेके चलते हैं। अरे इंजन तो बहुत ही बढ़िया है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा पानी के अंदर भी गाड़ी अभी तक सर्वाइव कैसे कर गई और इसका इंजन अभी भी एक नंबर है, देख रहे हो ना टॉमी? अरे अरे यार टॉमी नहीं मैं हूँ। अरे जब ये चल जल्दी लेके चलते हैं इस पे। अरे यार टॉमी ने बहुत ही देर लगा दी, मुझे लगता है उसने गाड़ी सही कर दी होगी क्योंकि शाम हो चुकी है। मैं गया था मार्केट में कुछ पीने, ये टॉमी मैं आ गया मेरे दोस्त। अरे पिंटू इधर आ ये देख। अरे यार आ रहा हूँ रुक जाओ। अरे यार ये ब्लड तो हट ही नहीं रहा, इस पे ब्लड लगा हुआ है, देख ये साफ ही नहीं हो रहा है। अरे यार ये ब्लड कैसा लग रखा है, वाकई में तूने तो अपने हाथों का जादू दिखा दिया, वाओ क्या गाड़ी मॉडिफाई की तूने। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन ये ब्लड इस पे से साफ नहीं हो रहा है, अगर इस पे ब्लड लगा तो कोई गाड़ी को खरीदेगा नहीं। अरे यार ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही लेकिन ये गाड़ी है कि खतरनाक है, ये तो लगती कोई कर्ज कार है। अरे कर्ज कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। अरे मैंने तो सुना है, मेरी दादी ने सुना है कर्ज कार करके होती थी जो कि भूतिया गाड़ी हुआ करती थी, कही ये तो वही नहीं है। अरे नहीं क्या मजाक कर रहे हो, ऐसी कोई गाड़ी नहीं होती है। अच्छा चलो ठीक है मैं इसकी फोटो निकाल के अपनी दादी को भेज देता हूँ, क्या है वो बताएंगी। अरे क्या मजाक कर रहे हो, इधर आओ कपड़ा लेके साफ करो इसको मेरे साथ। अरे यार तुम अपना काम करो ना, वैसे मुझे लगता है कि ब्लड साफ नहीं होगा, ये कर्ज कार भी हो सकती है या तो किसी ने पेंट करके मजाक कर। अरे ये क्या, ये गाड़ी तो चलने लगी अपने आप। अरे पिंटू ये क्या हो रहा है इस गाड़ी को, ये अपने आप कैसे चलने लगी? अरे मुझे क्या पता, पिंटू को उड़ा दिया। ये क्या, अरे का? अरे यार ये गाड़ी तो वाकई में कर्ज निकली, मेरी दादी अम्मा ने स्टोरी सही सुनाई थी। अरे पिंटू तू क्या हो गया, ये तो बहुत ही खतरनाक थी। अरे टॉमी ये, अरे गाड़ी मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। अरे नहीं मुझे जाने दे, ये गाड़ी तो, अरे जाने दे मुझे, ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक निकली, हमने इस गाड़ी को दोबारा से सही कर दिया। नो अब क्या होगा, ये गाड़ी तो लॉस एंजेलिस में सबको मार देगी। हे भैया। ओए मुन्ना आज की रात तुझे याद है? अरे हाँ भैया आज की रात मुझे याद है, जब मैं लेकर आया था वो कर्ज कार को, बिल्कुल इसी टाइम पे भैया। ओए मुन्ना तू बाहर मत जाइए, फिर से कोई गाड़ी उठा के ले आएगा। अरे यार भैया नहीं यार, वैसे गाइस हमने उस गाड़ी को तो लेक में डिस्ट्रॉय करके पानी में डाल दिया था और पानी से तो भैया वो अपने आप गाड़ी आ नहीं सकती। ओए मुन्ना बात तो तूने सही कही लेकिन आज की रात बहुत खतरनाक थी। ओए पिछले इसी वीकडे में बहुत ही खतरनाक हुआ था ना,
हे भैया सही कहा यार, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है, हमने इस गाड़ी को तो वैसे भी पानी के अंदर डाल दिया है। पानी के अंदर अब तक तो भैया उसकी बॉडी भी अजीब हो गई होगी। हाँ ये सही कहा कि भैया वो तो आ नहीं सकती है क्योंकि उसके उसको तो हमने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था ना। अरे हाँ यार, उसको तो हमने अपने धातु से डिस्ट्रॉय किया था, तो टेंशन वाली बात नहीं है। भैया ओए मुन्ना, मेरे को फिर भी डर लगता है, अरे कर्ज कार दोबारा ना जाए कहीं। ए भैया नहीं नहीं, वो दोबारा कैसे आ सकती भैया, मैंने उसको अपने यार उससे पाइप बम से उसको फोड़ दिया था। ओए वो स्टिकी बम थे नुबड़े कहेंगे। अरे हाँ स्टिकी बम से गाइस हमने उस गाड़ी को फोड़ दिया था और वो गाड़ी को हमने सीधा पानी में फिर फेंक दिया था। और यार फिर वो लेक से बाहर तो अपने आप आ नहीं सकती भैया, तो भैया अपन सेफ है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अरे यार जी समझो कि वो दोबारा गई तो फिर क्या करेंगे। अरे सेंचन क्यों डरा रहे हो झूठ में, वो गाड़ी आ ही नहीं सकती। ओए मुन्ना मुझे तो गड़बड़ लगने वाली है कुछ। हे भैया तुम्हें बड़ा गड़बड़ लग रही, चलो फटाक से सोने चलते, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। हे कहीं भैया मैं ही ना कर्ज बन जाऊं और तुम दोनों की पिटाई कर दूं। अरे यार कैसी बात कर रहे हो कि भैया, तुम तो मुझे और भी ज्यादा डरा रहे हो। अरे नहीं नहीं चलो गाइस यार फटाफट से तुम दोनों सो यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। हे भैया ये क्या है। अरे नहीं, अरे भैया ये कर्ज कार तो मुझे मार देगी। अरे भैया बचा लो मुझे, ये कर्ज कार वापस आ गई। ये क्या ये क्या हो रहा है। मुझे छोड़ दे। ओ गाइस लगता है मैं सपना देख रहा था क्या। मैंने सपना देखा कि कर्ज कार वापस आ गई। भैया ए भैया उठो। ए चलो यार मैं भैया को उठाता नहीं, इन दोनों को सोने देता हूँ। गाइस मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा, ये तो एक बहुत ही बैड ड्रीम था। सही ऐसे ये दोनों उस कर्ज कार की बात कर रहे थे जिसकी वजह से गाइस मेरे सपने में वो गाड़ी आ गई होगी। यार उसे तो मैंने अपने हाथों से डिस्ट्रॉय किया था, वो गाड़ी दोबारा तो आ ही सकती है। और वो यार वो कैसे सकती है मुझे भी लगता है। तो गाइस यार अपन को कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। और यार ये सपना वैसे काफी ज्यादा डरावना था। मैंने देखा कर्ज कार पहले से भी ज्यादा अपग्रेड हो के आई है। ओके गाइस अगर ऐसा होता है तो फिर तो बहुत ही ज्यादा लफड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वो गाड़ी अपने आप कैसे अपग्रेड कर सकती है। उसको तो मैंने उड़ा दिया था। ओए मुन्ना इधर आ। हे दोस्तों सुबह हो चुकी है और पता नहीं रात को क्या सपना मैंने देखा था। ओए मुन्ना तू रात में क्या बड़बड़ा रहा था। अरे यार भैया मैंने सपना देखा था यार कर्ज कार का, मैंने देखा कर्ज कार भैया अपनी घर की साइड आ रही थी। ओए मुन्ना सेम सपना मैंने भी देखा। अरे भैया क्या बात करे आप, एक सपना तुम भी कैसे देख सकते हो। अरे यार वही सपना तो मैंने भी देखा। अरे ये क्या हो रहा गड़बड़, एक सपना हम तीनों कैसे देख सकते हैं भैया। ओए मुन्ना मुझे लगता है कर्ज कार सही में आ चुकी है लॉस सैंटोस में। अरे यार भैया वो वापस कैसे आ सकती है, उसको तो मैंने खुद ही अपने हाथ से डिस्ट्रॉय कर दिया था ना। ए भैया मैं क्या सोच रहा हूँ, एक अपने तीनों का इजाज़ सपना है, क्यों ना हम चले देखने उस गाड़ी को। ओए मुन्ना चल चले क्या लेक में। ओए लेकिन फिर देखेंगे कैसे। अरे भैया मुझे लगता है वो लेक के अंदर ही होगी। चले क्या। ओए चल चलते हैं, लेकिन मुन्ना अगर गाड़ी वहाँ नहीं हुई तो फिर क्या करेंगे। अरे भैया फिर चलेंगे, भागेंगे यहाँ से और क्या करेंगे भैया। ओए लेकिन वो गाड़ी अपने आप गायब तो हो नहीं सकती है। अरे भैया भूल गए क्या, वो भूतिया गाड़ी है, लेकिन गाइस हमने उसको जैसा डिस्ट्रॉय करा था वो तो खुद को रिपेयर नहीं कर सकती। हे भैया सही कहा ना मैंने। ओए सही बात कही तूने, फिर कुछ भी हो सकता है ऐसे सपने आ गए सबको। हे भैया मुझे तो लगता है, अरे बाप रे भैया वो क्या उड़ रहा हवा में। ओए मुन्ना ये गाड़ी कहाँ से वो मुड़ रही है, बाप रे ये क्या चीज है। अरे भैया यही तो कर्ज कार है जिसको मैंने सपने में देखा था। अरे ये तो मैंने भी देखा था, मुन्ना ये सामने कैसे आ गई। अरे यार ये गाड़ी यहाँ कैसे आ गई भैया, ये तो हमारे सर के ऊपर घूम रही है। अरे भैया ये छोड़ो, ये उड़ सकती गाड़ी और ये हमें देख रही है, भैया हमें भाग नहीं चाहिए। ओए मुन्ना ये गाड़ी पहले से उड़ने कैसे लगी, पहले तो ये नीचे चलती थी, बाप रे लगता है ये और अपग्रेड हो गई है। अरे यार भैया मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, क्या करे भैया। ओए मुन्ना मैं तो बोल रहा हूँ यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले हम पे अटैक करते हैं। अरे भैया लगता है ये स्विमिंग पूल में फंस गई यार गाड़ी। ओए ये तो बाहर निकल गए, मुन्ना भी क्या करे हम। अरे यार भैया हम अपना घर छोड़ के नहीं जा सकते, वैसे ये गाड़ी यार दिन में कैसे इतनी खतरनाक हो गई, पहले तो गाइस नाइट में बस एक कर्ज कार बनती थी, डे में तो नॉर्मल थी, लेकिन ये क्या भैया। ओए मुन्ना ये पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है और ये हमसे बदला लेने आई है, अरे बाप रे बाप।
ए भैया ये कैसे हो सकता है गाइस, ये गाड़ी बदला लेने आ गई। ओ नो, ये हमारे घर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके रहेगी भैया। ओए मुन्ना, ये हमारे घर को डिस्ट्रॉय करना चाह रही है। ओए इसकी गाड़ी को, मतलब इसको हमने डिस्ट्रॉय किया था। अरे मुन्ना भागना चाहिए इससे पहले ये हमारे घर के साथ हमें भी पूरी तरीके से मार दे। अरे भैया सही कहा, निकलते। अरे भैया मेरे को तो बहुत ही ज्यादा चोट लग गई है। ओए मुन्ना फंस गए, जल्दी निकल। ए भैया गाइस जल्दी भागते यहाँ से, निकलते 9:11। ये कर्स कार तो हमारे पीछे लग गई। ओए मुन्ना जल्दी स्टार्ट कर गाड़ी, वो देख पीछे है। अरे यार ये क्या गड़बड़ हो रही गाइस, ये गाड़ी हमारे पीछे है क्या? ओ नो, ये तो हवा में उड़ रही भैया। ओए मैंने क्या कहा मुन्ना, ब्रेक मत लगे हो, निकल नो जल्दी से। अरे भैया जितनी स्पीड में ले आ सकता ले आ रहा हूँ ना ये। अरे बाप रे, अरे क्या कर रहा, कर्ज कार से ज्यादा तो अबे ये क्या मुन्ना, ज्यादा ठोकर मार दी पीछे से। अरे भैया ये तो पीछे से अटैक करी हमारे ऊपर भी, क्या करे भैया। ओए गाड़ी को रोकियो बदमस्तू, चलाते रह। ओए कैसे भी चकमा देखे हमें इसको पीछे छुड़ाना पड़ेगा मुन्ना, अबे हद हो गई ये तो। अरे ये कर्ज कार हमारे पीछे लगे हैं। अरे भैया ये तो बहुत ही ज्यादा, रे क्या करूँ, हट जा जल्दी, हट 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 हट। चलो स्टार्ट करते, भागो 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 भैया। ओए मुन्ना, ए भैया मुझे समझ नहीं आ रहा है ये गड़बड़ क्या हो रही है, ये कर्ज कार वापस कैसे आ गई, और इसका कलर भी दे रहा भैया, पहले व्हाइट थे येलो हो चुकी है भैया। ओए ये पहले से अपग्रेड दिख रही मुझे तो। अरे बाप रे फिर से अटैक करा। अरे भैया भागो, अरे यार भैया मैं क्या बोल रहा हूँ, पतली पतली गलियों में ले चले, वहाँ पे ये गाड़ी नहीं आ पाएगी। अरे यार वैसे पतली गली में ले चले तो हमारे पास भी कौन सा बाइक है सिंचन, यार ये भी तो एक बहुत ही सही ट्रक है, इतना बड़ा इसको हम गली में नहीं ले आ सकते, और ये हमारे पीछे अभी भी लगी है, फिर से ठोकर मारी इसने भैया। ओए ऐसे तो हमारी गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देगा मुन्ना। ओए ऐसा अगर फुल स्पीड में चला ताकि हमें चेस ही ना कर पाए। अरे भैया फुल स्पीड में चलाऊंगा, लेकिन इस रोड पे आज ट्रैफिक देख रहे हो गाइस, यार ये क्या ही हो रहा है। अरे यार भाई ये कर्ज कार हमारे पीछे क्यों लगी पड़ी है इससे, अरे दूसरों को मारना जाके। ओए मुन्ना क्योंकि तू ही इसको लेकर आया था, इसीलिए उसको लगता है तू ही है खतरनाक है। अरे यार भैया मैं खतरनाक कहाँ से देख रहा हूँ। अरे यार भैया मेरे पास एक प्लान है इसको चकमा देने का, एक ही आइडिया है। अरे बोलो सिंचन, अरे यार ऐसे करो किसी पार्किंग के अंदर से निकालो, उधर से ये गाड़ी चकमा दे देंगे हम इसको। अरे यार बात तो सही कही भैया, लेकिन पार्किंग है किधर? ए गाइस उसके टनल जैसा होता है, उसके अंदर घुसाएंगे और वहां से निकल जाएंगे, और ये रहा सेम। अरे यार सही कहा, अरे ये नहीं, ये तो भैया पीछे हमारे आ रही अभी भी। अरे यार सिंचन भाई, यार ये सामने वाला बंदा हटा नहीं रहा गाड़ी, क्या करूं यार, यहाँ पे चकमा देता हूँ इसे मैं। ओए मुन्ना मुझे लगता है इसको चकमा नहीं दे सकते यहाँ पे। अरे यार गाइस मैं तो चकमा देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन यार ये गाड़ी तो हमारे पीछे लगी है, हाथ मुंह सब नहा धो के, ये क्या हो रहा है। ओए मुन्ना टेंशन मत ले, मैं क्या बोल रहा हूँ, तू ऐसी गाड़ी चलाते रहे, उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा तो खुद रुक जाएगी। अरे यार भैया कैसी बात कर दी, उसका फ्यूल कैसे खत्म होगा, क्योंकि वो तो हवा में उड़ रही है यार, ए क्या करे भैया। ओए बात तो तूने सही कही, फ्यूल तो हमारा खत्म हो जाएगा मुन्ना। ए भैया यार चले समय लगता है पुलिस स्टेशन जाना चाहिए भैया, भाई पुलिस में बचा लेंगे। अरे ये क्या भैया, ये तो गाड़ी फंस गई। ओए मुन्ना तूने क्या कर दिया, अरे पीछे वो गाड़ी खड़ी भी है। ए भैया जल्दी आओ जल्दी आओ, मुझे किसी की बाइक या कुछ लेके यहाँ से निकलना पड़ेगा। ए जल्दी आओ भैया, यहाँ से किसकी बाइक छीने, गाइस ये रहा अबे रुक जा, ये ले लिफ्ट दे मुझे, चल निकल यहाँ से, ये बाइक मुझे दे दे। ओए मुन्ना जल्दी चालू कर, अरे ये तो पीछे लगी पड़ी है बीबी। ए भैया गाइस हमें लगता है अब लॉस सैंटोस की आर्मी हमें बचा लेगी। ओए लॉस सैंटोस के पुलिस डिपार्टमेंट के पास चले मुन्ना, ओए इसको जेल में डाल देंगे वो लोग पकड़ के। अरे यार इसको जेल में कैसे डालेंगे, ये तो एक कर्ज कार है, और कार के ऊपर तो कोई लॉ ही नहीं बनाए। अरे यार सही कहा यार, कार के ऊपर तो कोई लॉ नहीं है गाइस, यार कार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती है, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। अरे दोस्तों फटाफट से भागो भैया, जल्दी आओ अंदर, मैं कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। ओए मुन्ना मैं भी आ गया। सर मैं आ गया सर, ये देखो। अरे क्या हो गया क्या हो गया, इधर मत आओ भाई, चल सामने। अरे सर मेरी जान को खतरा है, मुझे बचा लो सर। अरे तुम्हारे भी ऊपर कौन गुंडा लग गया? अरे मेरे ऊपर नहीं, मेरे पीछे लग गया है, कभी भी कर्ज कार कोई नॉर्मल कार नहीं। अरे ये क्या होता है, सस्ता पौआ मार के आए हो क्या, सुबह सुबह आ गए। अरे यार ये सर तो मान ही नहीं भैया। ओए पुलिस वाले टकले मेरी बात सुन, हमारे पीछे भूतिया कार लगी है,
अरे बच्चे यहाँ से जाओ, सुबह सुबह का टाइम आ गया, जेल में पकड़ के डाल देंगे तुम्हें। अरे यार मेरी बात मान लो गाइस, अपनी पूरी की पूरी आर्मी लेकर यहाँ पे आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक कार आने वाली है। ए, मेरी बात को मानो, नहीं तो सारे के सारे तुम लोग मरे जाओगे। वो गाड़ी पक्का बाहर अभी लोगों को मारने में लगी होगी। अरे क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये खुद ही पुलिस स्टेशन है। अच्छा अच्छा की यहाँ पे पैंट की लिपील हो जाती है। अरे वो कोई इंसान नहीं है जो कि समझेगा पुलिस स्टेशन है, वो जो भी जिसको दिखेगा उसके ऊपर अटैक कर देगा। मेरी बात को मानो, मेरे को बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो, जल्दी से आर्मी को कॉल कर दो ताकि वो टैंक वगैरह लाए, उस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर सके। ये पुलिस वाले को समझ नहीं आ रहा है। अरे बाप रे मुन्ना, वो गाड़ी देख बाहर क्या कर रही है। अरे पुलिस वाले अंकल बाहर तो देखो, तुम्हारे सारे पुलिस ऑफिसर को उसने मार दिया, और वो देखो सीधा अंदर आने वाली है। अरे मैंने बात नहीं मानी। ए बाप रे, अरे यार ये क्या कि भैया इसने मेरे पर अटैक कर दिया। जल्दी से भागो यहाँ से। ए भैया भागो तुम, यार सिंजन को देखो संभालो। ओए मुन्ना तू नहीं आएगा क्या? अरे भैया ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसने बहुत ही खतरनाक अटैक कर दिया है। अरे ये क्या हो रहा है, ये गाड़ी को आखिरकार कौन चला रहा है? लगता है ये रिमोट कंट्रोल गाड़ी है, हमारे दुश्मनों ने हमारे पर छोड़ दी। अरे ये कोई रिमोट कंट्रोल कार नहीं है, ये कोई टॉय कार नहीं है। अरे भैया, ओए मुन्ना तू चले, बीच में गाड़ी खड़ी है, मैं सिंचन को देख लूंगा। ए दोस्तों, भैया और सिंचन मैं एक रूम में चले गए, वो वहां पे सेफ है, लेकिन मैं सेफ नहीं हूँ गाइस, क्योंकि मैं बाहर आ गया, जल्दी से मुझे भागना पड़ेगा। इससे पहले वो गाड़ी, हे दोस्तों मेरे पीछे आ जाए। मैं कहाँ पे जाऊँ भैया और सिंचन तो वहाँ पे सेफ हो गए, क्योंकि गाइस वहाँ पे लगता है अभी पुलिस के ऊपर अटैक हुआ, तो आर्मी आती होगी थोड़ी देर के अंदर, लेकिन जब तक आर्मी आएगी ये गाड़ी मुझे मार देगी। अब मैं क्या करूँ गाइस, यार मुझे समझ नहीं आ रहा, ऐसा करता ऊपर चल गए, छुप जाओ क्या? अरे यार इसमें तो जाने मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया, अगर उस गाड़ी ने मुझे देख लिया तो वो पक्का मेरे पीछे आ जाएगी। ऐसा करता हूँ यहाँ से दूसरी जगह जाता हूँ, नहीं तो वो गाड़ी मुझे देख लेगी तो मेरी तो बैंड बज जाएगी। अरे यार चलता हूँ यहाँ से। ए दोस्तों मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा, ये तो कुछ ज्यादा ही टफ हो रहा है। बाप रे बाप, ये कर्ज कार मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिरकार इसने खुद को अपग्रेड कैसे कर लिया, मैंने तो इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था पूरी तरीके से। ए दोस्तों मुझे सेफ जगह ढूंढ के भागना यहाँ से, फाइनली मुझे यहाँ पे कोई जगह दिख गई है, मैं इसके अंदर ही चलूंगा। आखिरकार भैया के साथ और जैक भैया, आई होप सेफ हो। गाइस मुझे लगता है कि वो गाड़ी अब मेरा पीछा नहीं कर रही है, फाइनली मैं सेफ हो गया। ऐसा करता हूँ मैं इधर छुप के बैठ जाता हूँ, इससे पहले आर्मी आएगी, फिर उसकी हम बैंड बजाएंगे, मतलब कि बैंड नहीं, फिर आर्मी उसकी गाड़ी की धुलाई सही कर देंगे। तो गाइस ऐसा करता हूँ इस कोने में मैं बैठ जाता हूँ, अब वो गाड़ी मुझे यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएगी। अरे ये क्या आसमान में ये क्या नजर आ रहा है? अरे नहीं, अरे दोस्तों ये गाड़ी तो वहां से ऊपर आ गई, अरे मतलब कि ऊपर से नीचे आ गई। अरे बाप रे, इसने मुझे ढूंढ कैसे लिया? ए गाड़ी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आखिरकार गाइस जल्दी से ऐसे भागता हूँ, यहाँ कहीं गन शॉप भी है पास में, ऐसा करता हूँ। ए दोस्तों गन शॉप में जाता हूँ, फिर इस गाड़ी की पैंट बजा दूंगा। मुझे चाहिए बहुत सारी गने, आखिरकार इस गाड़ी को मैंने ही बनाया है, मतलब कि मैं इस गाड़ी को जंगल से लाया था, अब मैं इस गाड़ी का दोबारा से डिस्ट्रॉय करूंगा, क्योंकि मैंने एक बार तो इस गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर दिया है ऑलरेडी। गाइस ये पहले से ज़्यादा पावरफुल होकर आ चुकी है, इसको मैं दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दूंगा और लॉस सैंटोस को इस कर्ज कार से बचा लूंगा। गाइस यहाँ पे गन शॉप है, चलो मैं गन ले लेता हूँ और मैं ऐसी गन लूंगा इसे उड़ाने के लिए। अरे सर बोलिए सर। अरे मुझे गन चाहिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, गाड़ी को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अरे सर आपके लिए तो फिर एक लेटेस्ट गन आई और साथ में आरपीजी वगैरह भी। हाँ मुझे सारे के सारे तुम्हें दे देता हूँ। अरे जल्दी दो जल्दी दो, मैं पेमेंट तुम्हें कर देता हूँ पूरी के पूरे। गाइस मैंने यहाँ पे एक से बढ़िया एक गन ले ली है और साथ में आरपीजी भी, लेकिन उससे पहले आरपीजी यहाँ पे चलाना सेफ नहीं है, क्योंकि गाइस यहाँ पे और भी लोग हैं, उनको भी चोट लग सकती है, तो मैं नहीं चाहता। फाइनली मैं इस गन से ट्राई करता हूँ। अबे गाड़ी वाले हटा ले चचा आगे से। अरे गाइस ये री कर्ज कार यार, इसने मुझे लगता है फिर से ढूंढ लिया, और मैं इसके ऊपर गोली से एम करे आ रहा हूँ, लेकिन इस गाड़ी को कुछ हो क्यों नहीं रहा, और बस ये चुपचाप शांति से खड़ी हो रखी है, जैसे इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा।
हे गाइस, अगर पिछली वाली जब हमने गाड़ी डिस्ट्रॉय करी थी वो तो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन इस बार यार इस गाड़ी के ऊपर मैं इतनी ज़्यादा गोली लगा रहा हूँ लेकिन इसके अंदर अभी भी आग नहीं लग रही। मुझे लगता है ये पहले से और भी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। ए दोस्तों यार मैं क्या करूँ, अरे बाप रे मेरे पीछे आ गई। हाँ दोस्तों मुझे भागना पड़ेगा। अरे यार इस गाड़ी को आखिरकार मैं डिस्ट्रॉय कैसे करूँ यार, इसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। ए दोस्तों यार मैंने बहुत ही ज़्यादा ट्राई कर लिया लेकिन गोली का इसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, बस थोड़ी देर के लिए डेंट आते फिर वो भी गायब हो जाते हैं। मेरे पास एक प्लान है। ए दोस्तों कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन एक बार क्यों ना मैं RPG ट्राई कर लूँ यहाँ पे। लेकिन गाइस मैं इसके ऊपर RPG के शॉट भी लगा रहा हूँ लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा, देख रहे हो ना। मुझे लगता है ये गाड़ी कुछ ना कुछ अलग हो चुकी है, और गाइस ये तो पहले से भी पावरफुल हो गई। मेरे पास एक आइडिया है, मैं यहाँ पे इस पे RPG उतने शॉट नहीं लगा पा रहा यार, मुझे ऐसा करना चाहिए कि इसको लेके चलना है बीच साइड पे, फिर मैं इसको वहीं मारूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम गाइस मैंने लेक के पास ही इसको मारा था। लेक के पास जब मैंने इस गाड़ी का डिस्ट्रॉय किया था तो ये फटाक से डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो क्यों ना मैं चलते समुद्र के किनारे, शायद से पानी इसकी वीकनेस हो सकती है, लेकिन ये स्विमिंग पूल में तो डूब। अच्छा गाइस मुझे याद आ गया, गाइस जैसी ये स्विमिंग पूल में गिरी थी तो इसका ऊपर से एक कवर फट के निकल गया था, मतलब ऊपर का बोनेट जैसा कुछ डिस्ट्रॉय हुआ था। गाइस हो सकता है पानी इसकी वीकनेस हो, तो क्यों ना मैं इसे पानी के पास ले जाऊं जिससे ये गाड़ी वीक हो जाए, फिर मैं इस गाड़ी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ए गाड़ी मेरे पीछे आ जा, मेरे पीछे आ। फाइनली गाइस ये गाड़ी मेरे पीछे आ चुकी है, अब मुझे सीधा इसको समुद्र के पास ले चल रहा है, फिर इस गाड़ी को मैं समुद्र किनारे RPG से शॉट लगा के देखूंगा, अगर वहाँ भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हुई तो गाइस मेरे पास तो कोई उम्मीद भी नहीं रहेगी, अब तो फिर आर्मी मुझे बचा सकती है इस गाड़ी से, या तो मेरा आज गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन गाइस फिर भी एक बार मैं कोशिश कर लेता हूँ चल के इसे बीच की साइड पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, अगर काम प्लान बन गया तो गाइस से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। चलो चलते अब सीधा। ये भैया और सिंचन का भी, भैया और सिंचन लगता है अब तो सेफ हो गए हैं, क्योंकि यार लॉस सैंटोस की सारी पुलिस वाले अब तक उस पुलिस स्टेशन पे पहुंच चुके होंगे और सब ने प्रोटेक्शन और यार एम्बुलेंस वगैरह पहुंच गई होगी। चलो गाइस मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ पे, और जस्ट मेरे पीछे गर्ल्स कार अभी भी लगी पड़ी है, और देखते हैं। गाइस मैं सही जगह पे पहुंच गया और गर्ल्स कार भी मेरे जस्ट पीछे ही है, तो गाइस मैं ऐसा करते से पानी के साइड लेके आता हूँ, और गाइस ये थोड़ा थोड़ा गीला होने स्टार्ट हो चुकी है, मुझे लगता है काम बन जाएगा। और गाइस ये पानी से दूर क्यों भाग रही है, ओके गाइस मुझे लगता है इसकी वीकनेस पानी है। ओके गाइस देख रहे हो ना, ए दोस्तों मुझे लगता है इसको पानी में और भी ज़्यादा भिगाने की जरूरत है, ये पानी से दूर भाग के देर उधर छिप रही है। अबे इधर आ ये ले, छोड़ूंगा नहीं मैं। तो गाइस मुझे लगता है पानी के पास खड़े रहना चाहिए, अगर ये मुझे मारने पानी के पास आएगी तो गाइस ये गीली हो जाएगी, और गीली होने के बाद ये खुद को ज़्यादा ही पावरफुल नहीं होगी। तो गाइस देखते हैं इधर वेट करते, और वो देखो कितनी ज़्यादा चालाकार है भाई ये, तो ये तो गाड़ी पानी की साइड आई नहीं रही, भी क्या करूँ मैं। मैं इसका वेट ही कर लेता हूँ, चलो देखते हैं। गाइस पानी में पहुँच एक बार तो गीली हो चुकी है, शायद से डिस्ट्रॉय हो जाए ये गाड़ी। ए आगे आगे आगे, ये मौका बहुत बढ़िया गाइस, इसको मैं डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ अभी। कहाँ गए ये ले, ये शॉट लगाया मैंने और ये फिर से मिस हो गया। इस बार नहीं छोड़ूंगा ये गाड़ी। गाइस ये गाड़ी पूरी तरीके से गीली हो चुकी है, अब ये गाड़ी का गेम ओवर मैं करूं। देख रहे हो ना ये गाड़ी के अंदर गाइस अभी कुछ देर के लिए ये फ्रीज हो रही, क्योंकि इसको मैं गीला करने चलते हैं। लेकिन ये क्या, अरे ये गाड़ी फिर से जग गई। अरे गाइस मुझे जल्दी से इसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए क्योंकि अब ये वीक हो गई ये गाड़ी। अब तो तू जाएगी कहाँ, भागती ये ले। ओके गाइस काम बन गया फाइनली, जैसे मैंने सोचा था, ये पानी से डरती है गाड़ी और पानी इसकी बहुत बड़ी कमजोरी है, तो गाइस यहाँ पे पानी की वजह से और इसकी मैंने फिर से इसकी बैंड बजा दी। फाइनली इस गाड़ी को मैं नहीं छोड़ने वाला, इसने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया और कितने लोगों की, इसने मासूम लोगों की जान ले ली। ए नली गाड़ी कहीं की, आखिरकार मुझसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ओके गाइस लास्ट टाइम मैंने गाड़ी के जो यार भंगार था उसको मैंने पानी में फेंका था, लेकिन ये पानी से बाहर निकल गई, आज मैं इसको सैंड के मतलब कि रेत के अंदर गाड़ दूंगा ताकि ये कभी बाहर ना निकल पाए। और गाइस इसको रेत में मैं गाड़ दूंगा, आधी मैंने इस गाड़ी को डाल दिया है और इसको पूरा फटाफट से डालता हूँ इससे पहले रात हो जाए।
अगर गाइस चलो फटाफट से इसको और भी अंदर डाल देता हूँ ताकि कभी बाहर ना निकले। चलो यार पूरी अंदर चलेगी, बस थोड़ा सा ये पार्ट है इसको भी मैं अंदर कर देता हूँ। अब तो कभी बाहर नहीं निकल पाएगी ये। फाइनली इस कर्स्ड कार का तो हमने ठिकाने लगा दिया, अभी रुक ये ले। चल अंदर। और गाइस हमें पूरा नामो निशान मिट चुका है कर्स्ड कार का, अब तो पता ही नहीं चली कर्स्ड कार नाम की कोई चीज भी थी। चलो गाइस यहाँ पे आज की अपनी ड्यूटी होती है कंप्लीट। और फाइनली यार अब तो पीछा छूटा इस कर्स्ड कार से, और ये घर से बहुत ही ज़्यादा दूर लोकेशन भी है। चलो गाइस अब फिलहाल हम सेफ हैं और चलते हैं अब जैक भी और सेन चैन से मिलने। और गाइस आज की वीडियो जो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए बाय बाय।